नमस्कार मित्रों, आज मैं निकल रहा हूँ अपनी पहली सोलो ट्रिप पर। ऐसे ट्रैवल तो बहुत किया है जीवन में, बट ये पहली बार है कि मैं बिल्कुल अकेला कहीं जा रहा हूँ। और मैंने सोचा है कि इस ट्रिप को जितना हो सके उतना बजट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो इसी बात पर मेरी जर्नी शुरू होती है इस नॉन एसी बस से। हल्का सा डर तो लग रहा है मुझे, तो अपनी पहली सोलो ट्रिप की जर्नी मैं शुरू कर रहा हूँ उस शहर से जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट और दिल के करीब है। तो जी, मेरा नाम है आयुष और ये है मेरी मध्य प्रदेश सीरीज, और मेरी पहली डेस्टिनेशन है इंदौर। ऐसे तो इंदौर को आज की डेट में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत रह नहीं गई है। लगातार 7 बार इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल अपने नाम करके इंदौर ने एक बात तो साबित कर दी है कि रियल चेंज लोगों की वजह से ही आ सकता है। तो इंदौर पहुंचकर अपने होटल में चेक इन करके चेंज करने के बाद सबसे पहले मैं निकला स्कूटी रेंट करने के लिए। वैसे तो इंदौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी वेल कनेक्टेड है, बट अपने पास टाइम की थोड़ी स्कार्सिटी है, इसलिए स्कूटी रेंट करना मैंने बेटर ऑप्शन समझा। और स्कूटी हाथ में आते ही सबसे पहले हमने रुक किया उस जगह का कि अगर इंदौर आए और यहाँ नहीं गए तो आपका इंदौर आना ही बेकार है। इंदौरियों को तो कोई ज़रूरत है नहीं 56 दुकान के जैसी इंट्रोडक्शन की, बट जो लोग इस ब्लॉग को इंदौर के बाहर से देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 56 बेसिकली एक फूड स्ट्रीट है जिसके अंदर लाइन से 56 शॉप है। अब तो 56 से ज़्यादा शॉप्स है यहाँ पर। 56 किसी ज़माने में हुआ करती थी, तब से इसका नाम 56 पड़ा हुआ है। अब इतनी सारी दुकानों में से इतनी सारी डिशेस मैं अकेला तो खा पाऊँगा नहीं, तो मेरी कुछ पर्सनल फेवरेट डिशेस हैं जो मैं पहले से खाते आ रहा हूँ, और मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी हूँ नहीं, तो वही डिशेस ट्राई करूंगा अपनी। इंदौर आए और पोहे नहीं खाए तो क्या खा के इंदौर आए। तो पहले तो शुरू करते हैं पोहे से, उसके बाद फिर देखते हैं कितनी जगह बचती है, उसके अकॉर्डिंग अपना फूड टूर कंटिन्यू करेंगे। तो जी, 56 दुकान पे हमारी पहली डिश इंदौर के फेमस पोहे। पूरी काया पलट हो गई है यार, पिछले कुछ ही सालों में हुआ है, नहीं तो ऐसा नहीं था। 56 अभी जहाँ बैठा हुआ से हमें बाकायदा रोड हुआ करती थी, लोग पास होते थे यहाँ से, गाड़ियाँ वाड़ी आती आती थी। अब डेडिकेटेडली जिसको पूरा फूड स्ट्रीट ही बना दिया गया है, किसने किया वो पता नहीं, तो किसकी सरकार को क्रेडिट देना है वो मेरे को पता नहीं है। तो काफ़ी सही तरीके से मेंटेन किया है यार 56 को, इतनी फेमस जगह है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, तो उसको उस तरीके का मेक ओवर दिया है। देखो, पोहे का तो सीन ऐसा है, इंदौर में कहीं भी खा लो अच्छे ही मिलेंगे। तो पोहे खाकर थोड़ा घूमने के बाद मैं पहुंचा विजय चाट हाउस और यहां से लिया यहां का फेमस खोपरा पेटिस। तो यार, अब मैं टिपिकल फूड ब्लॉगर तो हूं नहीं कि इसको कैसे बनाते हैं उसकी पूरी विधि आपको डिटेल में बता सकूं, बट मोटा मोटे हिसाब किताब यह है कि आलू की टिक्की में क्रश्ड खोपरा फिल करके उसको फ्राई करते हैं और 2 प्रकार की चटनियों के साथ इसको सर्व करते हैं, और इसका प्राइस है मात्र 20 रुपए। तो ये है भाई साहब खोपरा पेटिस, यहाँ के फेमस विजय चाट हाउस का। अनबीटेबल भाई साहब। तो इससे रिलेटेड एक कहानी याद आई मुझे, जब हम 2005-06 में पहली बार इंदौर आए थे ना, तो तब ये पेटिस 4 रुपए का हुआ करता था। फिर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा और ये 5 रुपए का हो गया। तो मेरी मम्मी पड़ोस वाली आंटी से कहती कि देखो ना भाभी, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही, अपना खोपरा पेटिस भी 4 से 5 का हो गया। फिर पलट के मेरे से कहती कि पढ़ ले, देख सब कितना महंगा होते जा रहा है। तो भाई साहब, ब्लॉग का ये सेक्शन मेरी मम्मी को डेडिकेटेड। मम्मी, आज 20 रुपए का पेटिस खा रहा हूँ, देखो। अगली शॉप थी सैम मोमोज। वैसे तो सैम मोमोज की अपनी एक पूरी अलग इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बट सैम मोमोज के साथ मेरी ये मेमोरी है कि अपने जीवन का पहला मोमो मैंने यही से खाया था, और वो मोमो खाते ही मुझे हो गया था मोमो से लव एट फर्स्ट बाइट। उस टाइम मोमोज की एक प्लेट 35 रुपए की आती थी, और मैं कैलकुलेट करने लग गया था कि मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए कि मैं रोज एक मोमो की प्लेट अफोर्ड कर सकूँ। क्लैरिटी देख रहे हो आप थॉट्स की? और ये है यहाँ की एक और फेमस शॉप, जॉनी हॉट डॉग। थोड़ा बहुत खाने के बाद यार मेरा तो पैकअप हो चुका था, तो यहाँ मैं खा तो नहीं पाया, बट यहाँ का मेंशन ना करना बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का हॉट डॉग खाने बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक आ चुके हैं, और सच में यहाँ का हॉट डॉग बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वैसे तो यार मैं यहाँ के ओनर का एक छोटा सा इंटरव्यू भी लेना चाहता था, बट वो मुझे मिल नहीं पाए। ऐसी और बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारी डिशेस है 56 दुकान की, कि अगर सारी कवर करने लगा तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा,
बट वीडियो जारी रहेगा क्योंकि आगे का वीडियो कंटिन्यू होगा सराफा बाजार में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी ये है कि आगे पूरी एमपी सीरीज आने वाली है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्पेशली एमपी की जनता को सब्सक्राइब कर ही दो। और अगर वीडियो यहाँ तक बढ़िया लग रहा है तो एक लाइक इंदौर के लिए कर दो फटाफट। तो चलिए नाउ बैक टू द वीडियो। जब मैं सराफा बाजार पहुंचा तो कुछ ऐसा था यहाँ का नजारा। दूर दूर तक बस लोग ही लोग नजर आ रहे थे और उनके बीच में मैं कतई फेल अटेम्प्ट कर रहा था व्लॉग करने का। बट भाई तुम्हारा वॉरियर है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है। तो पहली चीज जो मैंने यहाँ ट्राई की वो थी भुट्टे का कीच, और काफी लिटरल नाम है इसका। भुट्टे को क्रश करके उसमें थोड़े मसालों का तड़का लगा दिया जाता है और फिर बिना ज्यादा ज्ञान पहले इसको खाया जाता है। नेक्स्ट है भाई एमपी की शादियों की जान गराड़ू। अब गराड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मेरे को आइडिया नहीं है, तो चलो गूगल से पूछते हैं। तो गराड़ू का मतलब होता है गराड़ू, और मतलब जानकर क्या ही करना है, खाने में बढ़िया लगता है, बस मेन बात वो है। उसके बाद थी चाट की दुकान, और भाई के पास कौन कौन सी चाट है जरा खुद ही सुन लीजिए। गाड़िया चाटे, फाफड़ा चाटे, खस्ता चाटे, बबीता जी स्पेशल है, दया भाभी स्पेशल है, अच्छा जेठालाल स्पेशल है, थैंक यू। और इसके बाद मुझे दिखाए जामुन शॉर्ट्स, जो मैंने खुद ट्राई करने से पहले इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना सही समझा, और इनसे अप्रूवल आने के बाद मैंने ट्राई किया। ज्यादा बुरा नहीं है, मतलब बहुत लाजवाब था। आप भी ट्राई कीजिए। तो बस ये था मेरा छोटा सा फूड टूर इंदौर के छप्पन और सराफा का, और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं ट्राई करने के लिए, तो अगर ज्यादा लोग आते हो तो ज्यादा चीजें ट्राई कर पाओगे। तो अगर इंदौर आते हो तो डोंट मिस दीज प्लेसेस, और हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी इंदौर में। तो अगर वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो, और स्पेशली इंदौर की जनता कमेंट करके बताओ कि और क्या ट्राई किया जा सकता था जो मैंने मिस कर दिया। और एक और फ्री वाला काम ये कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो कि आने वाली एमपी सीरीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे इंदौर की किसी नई जगह पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।